दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज 1-1 के बराबरी पे है। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को शिकस्त दी थी और फिर दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराकर हिसाब बराबर कर लिया है। अब बुधवार 10 जुलाई को दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मैच खेला जाना है। इससे पहले T20 विश्व कप विजेता टीम के कई खिलाड़ी टीम इंडिया से जुड़ गए हैं। दरअसल अभी जो टीम थी वो सिर्फ पहले 2 T20 मैचों के लिए थी। अब तीसरे T20 मैच से भारत का स्क्वाड कुछ अलग होगा। तीसरे, चौथे और पांचवें T20 के लिए ओपनर यशस्वी जायसवाल, विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और ऑलराउंडर शिवम दुबे टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। हालांकि यह तीनों खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, लेकिन इन तीनों को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को आने पर प्लेइंग 11 का चयन करना कप्तान शुभमन गिल और कोच वीवीएस लक्ष्मण के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अब किसे बैठाया जाए और किसे टीम में लाया जाए, इसके लिए कोच और कप्तान को काफी माथापेची करनी पड़ सकती है। बचे हुए T20 के लिए भारतीय टीमों का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। शुभमन गिल कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, संजू सैमसन विकेट कीपर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे। ये तो हो गए स्क्वाड। अब बात करते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की, तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। शुभमन गिल कैप्टन, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, संजू सैमसन विकेट कीपर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल। बात अगर टीम इंडिया की करें तो अभिषेक शर्मा बहुत कमाल की लय में है। जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने किया था दूसरे मैच में, तो उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। ऋतुराज ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी 77 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। रिंकू सिंह की बात करें तो वो हरफन मौला खिलाड़ी है, उन्होंने एकदम ताबड़तोड़ 22 गेंदों पे 48 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 5 छक्के शामिल है। मुझे लगता है कि इस मैच में संजू सैमसन को जगह मिलेगी, शुभम दुबे को भी जगह मिलेगी और यशस्वी जायसवाल को भी जगह मिलेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मैच 10 जुलाई को, चौथा T20 मैच 13 जुलाई को और पांचवा और अंतिम T20 मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। ये सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। पहला और दूसरा T20 मैच भी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही खेला गया था। बचे हुए मैचों का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। तीसरा T20 मैच बुधवार 10 जुलाई को, चौथा T20 मैच शनिवार 13 जुलाई को, पांचवा T20 मैच रविवार 14 जुलाई को। दोस्तों अगर आपके हिसाब से भी अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंज होना है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।